दोस्तों मैं आज हूँ एस डिस्कस हैचरी में और आज मैं कवर करने के लिए आया हूँ इनके पास जो न्यू डिस्कस फिश का स्टॉक है वो कवर करने के लिए। तो हमारे सामने है इस्माइल भाई जो एस डिस्कस हैचरी के ओनर है। हाय भाई, आप कैसे हो? अच्छा, आप कैसे हो प्रथमेश भाई? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं देख रहा हूँ फिर से एक बार अलग स्ट्रेन मुझे देखने के लिए मिल रही है और हर बार मैं आता हूँ तो काफ़ी अच्छा स्टॉक रहता है। तो आप बताइए कि इस बार कौन सी नई स्ट्रेन है वो हमारे हॉबीज के लिए अप्लाई है? भाई इस बार गैलेक्सी में है, येलोज में, छोटी साइज में आए, स्क्रिबल्स में है, टाइगर्स में है, फिर थोड़े बड़े पीस में भी है और अपना नॉर्मल जो चेकरबोर्ड वगैरह रनिंग आइटम है वो सब भी है। और पिछले टाइम जैसे आपने देखा था कि 150 रुपये पर पीस वाला लॉट था, 180 पर पीस वाला लॉट था, तो एक हमारे पास अभी वो पीसेस बड़े हो गए तो अभी 250 रुपये पर पीस है। सिंगल आपको रिटेल पीस भी मिल जाएगा उसमें, उसका साइज 1.5 से 2 इंच के करीब करीब है। यस, तो आपको उसमें रिटेल में भी मिल जाएगा। आपको एक पीस चाहिए, आपको एक पीस भी मिल जाएगा, क्योंकि कैसा है छोटी साइज में मैं रिटेल में देना अवॉइड ही करता हूँ क्योंकि फिर नेटिंग लग लग के बीमार पड़ जाते हैं। बराबर, एक बार वो 1.5 इंच प्लस हो गए तो वो रिटेल में मैं निकाल देता हूँ। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ पूरा स्टॉक है वो कवर करने के लिए और आई होप कि हमारे व्यूअर्स भी काफ़ी एक्साइटेड रहेंगे पूरा स्टॉक है वो देखने के लिए। तो आप बताइए कहाँ से शुरुआत करें? हम वो फर्स्ट टाइम से चालू कर सकते हैं भाई। तो दोस्तों पहले फर्स्ट हम लोग टैंक है वो कवर कर रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग वेराइटीज मुझे इस टैंक में दिख रही है, तो कौन सी है स्ट्रेन भाई? इसमें एक 4 पीस कार्नेशन क्रॉस फ्लोरा है और एक 4 पीस में रेड मैप है, एक स्कॉर्पियन, एक बटरफ्लाई है। बराबर, तो जो ये आप कार्नेशन क्रॉस फ्लोरा देख रहे हैं ये 900 पर पीस है। अच्छा, और स्कॉर्पियन अपना 1500 रुपये का है एंड बटरफ्लाई 1700 रुपये पर पीस है, और बाकी जो रेड मैप आप देख रहे हो ये 1300 रुपये पर पीस के है। और यहाँ पे भाई इसमें चेकर बोर्ड्स है भाई, यस, रूबी रेड है और एक पीस इसमें ब्लू डायमंड का है। अच्छा। इसका साइज 2.5 इंच से 3 इंच के करीब करीब है। यस यस, और इनका रेट 700 से 750 रुपये पर पीस है। तो सब देख सकते हो कैसे फूड इंटेक कर रहे हैं। और यहाँ पे ये भी सेम लॉट है भाई, खाली इसको अलग अलग करके मैंने रखा हूँ। इसमें से तो एक पीस स्कॉर्पियन है जिसका रेट 900 रुपया है। स्कॉर्पियन है क्या? हाँ। अच्छा, हाई फिन में, और बाकी सबका 700 रुपये पर पीस है इसमें। और यहाँ पे इसमें भाई ये 3.5 से लेकर 4.5 इंच के बीच में पीसेस है, येल्लोज है, ब्लूज है और रेड्स है इसमें। इसमें जो 1000 रुपये का है, 1000 रुपये पर पीस ये पीस है इसमें। कौन सा? ये वाला। हाँ हाँ, ये वाला। बाकी 1200 रुपये पर पीस येल्लो है और 1500 रुपया पर पीस रेड है, और बाकी के स्कॉर्पियन आपको 1800 रुपये पर पीस में पड़ेंगे। और इस टैंक में भाई इसमें येल्लो है सबके फेवरेट, यस, 2 इंच से 2.5 इंच के बीच में। इनका रेट 550 से 650 के बीच में है, और इसमें एक एल्बाइनो प्लेटिनम भी है। कहाँ पे, कौन से है ये? एक एल्बाइनो प्लेटिनम। हाँ हाँ हाँ, जिसका रेट 800 रुपये पर पीस है। अभी हमने पिछले मेरे हिसाब से 3-4 महीना हो गया। हाँ हाँ हाँ, हमने एक येल्लो कवर किया था जो 3.5 इंच के करीब करीब था, या 2.5 या 3 इंच का था, जो 1200 रुपये पर पीस थे। वो क्वालिटी अलग थी, ये क्वालिटी अलग है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा डेंस है, मतलब कलर डेंसिटी इसका ज़्यादा है। भाई इसमें कार्नेशन क्रॉस फ्लोरा पिछले टाइम आप आए थे इसमें करीब करीब 35 पीस अवेलेबल थे, अभी ये हार्डली 12 या 10 पीस अवेलेबल है। यस, और इसमें जितने छोटे पीस थे सब बिक गए, ये एक इतने पीस बचे हैं और वो टैंक में 3 या 4 पीस है। इनका रेट 900 रुपये पर पीस है भाई इस टैंक में। इसमें भाई टाइगर है, गैलेक्सी है, स्क्रिबल है। यस, अभी जैसे कि आप ये पीस देख रहे हो, ये पीस देख रहे हो, ये बहुत हाई क्वालिटी के पीसेस है। हाँ,
इनका रेट भी 800 से 1200 रुपए पर पीस है। ये पीस हो गया, ये टाइगर हो गया, ये हो गया, ये सब 1200 रुपए पर पीस है। और इसमें जो बड़े पीस है सब 1200 रुपए पर पीस है। इसमें के जो छोटे छोटे पीसेस है जैसे वो गैलेक्सी में हो गया, वो 800 रुपए पर पीस है। इनका साइज भी 3.25 इंच से लेकर अराउंड 3.75 इंच प्लस में है। जैसे कि ये सबसे बड़ा पीस है, अगर इसको माउथ टू टेल में काउंट करूँ तो 3.75 इंच प्लस ही निकलेगा। ये करीब करीब 4 इंच भी निकल सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट यस कि 3.75 इंच प्लस निकलेगा। और मैंने एक देखा आपके पास किया है ना, आपको अभी जो फीडिंग कर रहे हो, तो मैंने मतलब देखा ऐसा यूजली है कि डिस्कस फिश ये फीड की तरफ बहुत ही कम आते हैं, या फिर फीड डालने के बाद भी बहुत बार हमें वेट करना पड़ता है कि वो कब आएंगे कब आएंगे, और उसके बाद वो आते हैं। तो ये मैं देख रहा हूँ कि जैसे भी आप फीड डाल रहे हो तो कोई भी ऐसा डिस्कस फिश है वो डरा हुआ नहीं है, काफ़ी सेट लग रहा है, जो आ रहा है वो फीडिंग फटाफट से ले रहा है। प्रथमेश भाई, ये आपने अच्छा क्वेश्चन रेज करे। अभी आपने पिछला वीडियो बनाया था मेरा, तो जो हमारा फर्स्ट टाइम था उसमें रेड मैप थे। आप जो भी व्यूवर्स है वो प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हो, वो सब रेड मैप फिल्टर के यहाँ पे ही खड़े थे, कोई भी खाना लेने नहीं आ रहा था। बट अभी आज आपने वीडियो बनाया, वो सब खाना पिकअप कर रहे हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि आप मच्छी को टाइम देंगे ना तो मच्छी जरूर सेट होगी। यस, आप डिस्कस में अगर डिस्कस आपको रेस करना है या रखना है तो आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा भाई। ऐसा नहीं कि आप मच्छी लाए बस हाँ तुरंत खाना खाना चाहिए, नहीं वैसा होता नहीं। अब वो रेड मैप मेरे पास में आगे करीब करीब 20-25 दिन हो गया था, 20-25 दिन हो गया था और लुक सेट नहीं हो रहे थे, लेकिन एट लास्ट लुक जाके सेट हुए। यस, टाइम लेते लेकिन सेट होते ही है भाई। कोई कोई मच्छी 2 दिन में सेट होता है, कोई कोई 2 महीना लगाता है। अच्छा। तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ पेशेंट रख सकते हो, ऐसा है। और एक है मतलब ये मुझे थोड़ा काफ़ी अच्छा लगा। हाँ, वो स्क्रिबल है भाई। स्क्रिबल है क्या वो मतलब पैटर्न और कलर में अच्छा है, जल्दी मिलता नहीं है। हाँ वही, मुझे पता है व्यूअर्स उसी का स्क्रीन शॉट निकाल के भेज अवेलेबल है। दोस्तों अभी हम अनदर ब्यूटी कवर कर रहे हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हो जैसे फूड डाला वैसे उन्होंने खाना शुरू किया। तो भाई इनके बारे में बताइए भाई। ये इसमें सबसे छोटी साइज जो है वो पौने 4 इंच है, और बाकी इसमें 4 इंच प्लस की भी पीसेस है। यस, और ये सब गैलेक्सी टर्कोइज है। और इसमें थोड़े बहुत एक आध पीस लेपर्ड्स है इसमें। यस, गैलेक्सी है, टाइगर्स है, यही सब है इसमें। इनका रेट भी 1000 से 1200 रुपये पर पीस है। अच्छा, और एक क्वेश्चन है वो मुझे हर टाइम आते रहता है और काफ़ी के माइंड में आता रहेगा, या फिर अगर आपके पास कोई बायर आ रहा है, हॉबिस्ट आ रहा है डिस्कस लेने के लिए, वो भी आपसे एक क्वेश्चन करता रहेगा कि वाटर डेली चेंज करना है कि वीकली चेंज करना है, तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहते हो? कि बहुत सारे जो हॉबिस्ट हैं उनके माइंड में है कि हमें डिस्कस फिश का जो वाटर है वो डेली चेंज करना चाहिए, तो आप बताइए इसके बारे में भाई। वाटर चेंज के ऊपर देखिए, आप अगर रोज़ पानी चेंज करोगे तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो उससे अगर कोई मच्छी को बीमारी भी जल्दी नहीं लगेगी, बिकॉज ऐसा होता है कि आप 2-3 दिन बाद पानी चेंज करते हो तो कई बार क्लाउडी आइस का प्रॉब्लम आता है। बराबर, फिर कई तरीके की बीमारी जो पानी ना चेंज करने की वजह से होती है। तो बेहतर ये है कि आप रोज़ पानी चेंज करो, और अगर रोज़ नहीं कर पाते हो आप, हाँ, तो एटलीस्ट 3 दिन में एक बार आप करो, 3 दिन में एक बार, और हफ्ते में या फिर 10 दिन में एक बार आप रबिंग साइफन कर लो, या फिर आपके पास प्लेको है तो प्लेको आप ला के रख सकते हो। बट ये बात का भी ध्यान रहे कि वो प्लेको फिशेस को ना अटैक करे। बराबर, कि लोग ये समझते कि अरे भाई प्लेको ला के तो रख दिए, बट कई बार ये होता है वो प्लस पॉइंट होने के बजाय माइनस पॉइंट हो जाता है और डिस्कस को अटैक करती है। अच्छा, तो वो रख सकते हैं ना अल्बाइनो प्लेको को? भाई प्लेको रख सकते, वही मैंने बोला आप अल्बाइनो रखो, आपको जो चाहिए वो रखो, बट इस बात का ध्यान रहे कि वो ज्यादा एग्रेसिव ना हो, और मतलब
मच्छी को ना पकड़े। हाँ वो भी है, पर अगर वाटर चेंजिंग की मैं बात करूँगा तो यूजुअली हमें पूरा चेंज करना चाहिए कि कैसे? क्या अभी जो हॉबीज वगैरह है उनके लिए तो पूरा चेंज करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, तो उनके लिए 30-40% बहुत है। अच्छा। अगर आप रोज चेंज कर रहे हो आप 15-20% करो बहुत, अरे आप 10% कर लो तो भी बहुत है। यस, लेकिन थोड़ा पानी चेंज करो जिससे मच्छी काफी अच्छी कंडीशन रहेगी। और BHM दोगे तो फिर भाई आपको चेंज करना पड़ेगा। अभी काफी हॉबीस्ट है जो कहते भाई अलाउड नहीं है BHM या GHM या CHM चिकन हार्ट मिक्स, तो उनके लिए क्या ब्लड बॉम्ब्स डालो भाई। ब्लड बॉम्ब्स डालो, फ्रोजन ब्लड बॉम्ब्स आता है वो डालो, बिकॉज ड्राई फीड ये है कि सर्वाइवल मोड के लिए अच्छा है कि ड्राई फीड चल रहा है चल रहा है, बट मेरे हिसाब से ग्रोथ के लिए एनिमल हार्ट तो देना जरूरी है भाई। और यहाँ पे इसमें लेपर्ड्स है, रेड कवर है, फिर अपना स्नेक स्किन है। यस, और इसका साइज भी 2.5 इंच से 2.5 इंच प्लस पकड़ लो। बराबर, इनका रेट 600-650 पर पीस है। और यहाँ पे भाई ये अपने अल्बाइनो डिस्कस है। यस, अल्बाइनो रेड 2.5 इंच से 3 इंच साइज हो गया इनका। इनका रेट 1000 रुपये पर पीस है भाई। इसमें भी गैलेक्सी है, टाइगर है भाई। यस, yes. इसका भी साइज 3.5 इंचेस टू 4 इंचेस है। हाँ हाँ, इसमें कुछ कुछ पीस बहुत खूबसूरत है, जैसे कि ये हो गया, ये पीछे वाला भी हो गया। ये इनका रेट 1000 से 1200 रुपये पर पीस है, डिपेंडिंग ऑन साइज। ये भी भाई सेम वही लॉट है, इसको मैंने खाली सेपरेट करके रखा। सेपरेट करके रखा। यस, पैटर्न वगैरह आप देख लो। हाँ, इसका मुझे थोड़ा पैटर्न थोड़ा अलग लग रहा है। मैं मतलब इसमें टाइगर भी है, गैलेक्सी भी है, टाइगर टर्कोइज भी है, कार्नेशन भी है, सब है इसमें। बट मैं सबको एक एक मिक्स करके रखा हूँ कि अगर कोई कस्टमर लेना चाहे तो उसको समझ में आए कि हाँ भाई सब साथ में रहेगा तो कैसा दिखेगा। इसमें टाइगर है, कार्नेशन है, गैलेक्सी है और स्क्रिबल है। यस, बड़े साइज में ने? बड़े साइज में है। ये करीब करीब आप समझ लो 3.25 इंचेस टू 4 इंचेस में है इसमें। स्क्रिबल 3.5 इंच पकड़ लो आप, फुल राउंड शेप है। यस, इससे 1200 से 1500 रुपये पर पीस है। जो आप स्क्रिबल देख रहे हो, स्नेक स्किन देख रहे हो, ये सब 1500 रुपये पर पीस वाले, जिसको अच्छा खासा प्रोमिनेंट बार भी है। बराबर, कौन सा ये पीस देखो, ये पीस देखो भाई। इसमें ब्लू स्नेक स्किन है और ब्लू स्पॉटेड स्कॉर्पियन है। यस, जो स्नेक स्किन है उसका रेट 750 है। हाँ हाँ, और जो स्कॉर्पियन है उसका रेट 900 है। ये स्नेक स्किन कौन सा है इसमें, ये है क्या स्नेक स्किन जो आप सामने देख रहे हो, जो थोड़ा ब्रॉड पैटर्न में? यस यस, जो फाइन पैटर्न में स्कॉर्पियन है। इसमें साइज में 2.5 इंच से लेकर 3 इंच तक के भाई। इसमें सब मिक्स डॉट असॉर्टेड लॉट है। इसमें स्नेक स्किन है, रेड कवर है, लेपर्ड्स है, थोड़े बहुत इरप्शन है। इनका साइज 2.5 इंच से लेकर 3 इंच है और सबका राउंड शेप है, सबका राउंड शेप है। और इसका रेट भी 650 से 750 पर पीस है भाई। ये हाई बॉडी पांडा चेकरबोर्ड और जगुआर है। यस, और इनका साइज 2.5 इंच से लेकर 3 इंच प्लस भी इसमें कुछ कुछ पीस। हाँ, और इसका रेट 800 से 900 रुपये पर पीस है। और ये ब्लू डायमंड है, हाई बॉडी रेड आयरिंग। इसमें जो सबसे छोटी साइज है 3.5 इंच है और जो सबसे बड़ी साइज है इसमें समझ लीजिए 4.5 इंच है। और ये 1700 से 2200 रुपये पर पीस है। स्टॉक ऐड हुआ है क्या इसमें? नहीं भाई, ये सेम वही स्टॉक सेम है क्या? हाँ। इसमें भाई जो मैंने जिक्र किया था अपना 1.5-2 इंच में जो बेबीज है, ये वो है। इसमें चेकरबोर्ड है, कार्नेशन है और टर्कोइज है। इसका रेट 250 पर पीस है भाई। ये मिक्स लॉट असॉर्टेड में है। इसमें चेकरबोर्ड है, स्नेक स्किन है, लेपर्ड है। यस, इसमें 2 इंच से 2.5 इंच प्लस भी है। इनका रेट 550 पर पीस है।
ये बड़े साइज में टर्कोइज है। हाँ हाँ गैलेक्सी टर्कोइज है, इसमें कार्बनेशन है और ये 4 से 4.5 इंच के बीच में, इनका रेट 1500 से 1600 रुपये पर पीस है। सेम उसमें भी टाइगर वगैरह है, कार्बनेशन है। हाँ हाँ और अपना गैलेक्सी है, यही सब है इसमें। इनका भी सेम रेट है? सेम रेट 1500 से 1600 रुपये पर पीस। तो इस्माइल सर पूरा शूट मैंने किया है डिस्कस फिश के स्टॉक का, काफ़ी अच्छा लगा। और इस बार भी मैं बोल सकता हूँ कि आपके पास अलग अलग स्ट्रेन है, मतलब मैं हर टाइम आता हूँ तो कुछ अलग ही डिस्कस फिश मुझे देखने के लिए मिलते हैं। लास्ट टाइम भी अलग स्ट्रेन थे, इस बार भी अलग स्ट्रेन है, तो हमारे व्यूवर्स को भी अच्छा लगता है पूरा आपका पूरा स्टॉक देख के। और प्राइजिंग भी आपके पास काफ़ी रिजनेबल रहता है। बिल्कुल भाई, इसमें आपको दिखेगा कि हाई क्वालिटी के फिशेज काफ़ी नॉमिनल रेट पे, एटलीस्ट जो हाई स्ट्रेन हम देखते हैं उसके रिगार्डिंग तो काफ़ी रिजनेबल है। यस, और कुछ कुछ स्ट्रेन है जो मैं भी मानता हूँ वो महंगे है, बट उसका कॉस्ट भी मुझको महंगा गिरा इसीलिए। Yes. और वो एक्सोटिक में आता है इसलिए महंगा, जैसे कि बटरफ्लाई हो गया, स्कॉर्पियन हो गया। स्कॉर्पियन का 2.5 इंच का 900 रुपया है, हालांकि हम 2.5 इंच का चेकर बोर्ड देखे ये तो 700 रुपये का है मेरे पास। यस, बट यही है कि क्वालिटी का और स्ट्रेन का फर्क है और कुछ भी नहीं। स्कॉर्पियन जल्दी नहीं मिलता है वो स्पॉटेड में, और चेकर बोर्ड ये कि हाँ हो जाता है, मतलब ब्रीडिंग वगैरह भी इसकी अच्छी खासी हो जाती है, इसलिए उससे थोड़ा सस्ता है और कुछ भी नहीं। थैंक यू इस्माइल भाई कि आपने आपका कीमती वक्त है वो दिया शूट के लिए, और डिस्कस फिश के बारे में इंफॉर्मेशन भी आपने काफ़ी अच्छी तरीके से दी। मुझे फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपके पास आके, वो पूरा स्टॉक है वो कवर करके। तो आप मुझे इजाज़त दे दो इस वीडियो को एंड करने की। बिल्कुल भाई। तो दोस्तों ये था वीडियो एज डिस्कस एचरी का था, जिसमें मैंने अलग अलग वेराइटीज के डिस्कस फिश को कवर किए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो है वो अच्छा लगा रहेगा, हेल्पफुल लगा रहेगा। कोई भी रिक्वायरमेंट रहेगी तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस्माइल भाई का, तो उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी सारी डिटेल्स अवेलेबल है। तो दोस्तों अभी इस वीडियो को यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। टेक केयर एवरीवन एंड बाय।